मेरा नाम सर दानिश है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास सिक्स। क्लास सिक्स में आप लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्लास फाइव में अच्छी प्रोग्रेस और अच्छी मेहनत करके आप लोग क्लास सिक्स में आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जैसे कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, आप लोग क्लास सिक्स में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो पढ़ाऊंगा मैं आपको मैथ्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। आप लोगों ने स्कूल से कोर्स परचेज किया होगा जिसमें आपके पास एक मैथ्स की बुक और एक मैथ्स का रजिस्टर मिला होगा। आप लोगों को जरूर सबने देख लिया होगा, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी मैथ की बुक, न्यू काउंटडाउन एडिशन से एडिशन टू, सेकेंड एडिशन है ये आपकी। तो ये आपकी मैथ्स की बुक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे इस साल, इंशाल्लाह आपको पढ़ने में इसको मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं आपके रजिस्टर के बारे में। इस तरह का आपको रजिस्टर मिला हुआ है, इंग्लिश साइड सिंगल लाइन रजिस्टर। रजिस्टर की मेंटेनेंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखें, क्लास फाइव में आप लोग पेंसिल से काम करते थे, लेकिन अब क्लास सिक्स में जब आप लोग आ चुके हैं तो आप लोग ब्लू पेन और ब्लैक पेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो पेन से काम करेंगे अब आप लोग, तो सही से इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि पहली दफा तो आप इस्तेमाल करेंगे पेन। तो इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको बता देता हूं इंडेक्स किस तरह मेंटेन करेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले आपके पास एक एस नंबर के नाम का कॉलम आ गया है। एस नंबर के नाम का कॉलम है, यहां पर आप लोग जो सीरीज नंबर बोलते हैं दरअसल इसे एस नंबर को, तो जो आप काम करेंगे, पहले काम क्या आगे वन, दूसरे काम क्या आगे टू, तीसरे काम क्या आगे थ्री फोर फाइव, जैसी आप एक एक एंट्री करेंगे उसके साथ यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखते रहेंगे। उसके बाद आ जाती है डेट। तो जिस डेट को आप जो काम करेंगे, जैसे आपने 24 तारीख को एक एक्सरसाइज की, तो आप वो एक्सरसाइज की यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे जिस दिन आपने काम किया होगा। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर। अब पेज नंबर आप लोगों का बुक का पेज नंबर नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी कॉपी स्टार्ट होगी ना, तो यहां पर आपने फर्स्ट पेज मेंशन करना है, टॉप पे कॉर्नर पे यहां पर आपने लिखना है वन। उसी तरह आप लोग नेक्स्ट पेज पर जब आएंगे तो ये पेज आप लोगों ने छोड़ देना है और इस पेज पर लिखना है क्या टू। इसी तरह ये पेज छोड़ के इस पेज पर आपने लिखना है थ्री। तो इस तरह काउंटिंग ये चलती रहेगी और आप पेज पूरे रजिस्टर पे मेंशन कर देंगे। तो पेज के बाद अब आप लोग का आ गया है टॉपिक। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे टॉपिक, जो टॉपिक आप लोग करेंगे जिस डेट को आप जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक का नाम लिखेंगे, जो सवाल करेंगे उतने सवाल लिखेंगे, एक्सरसाइज के वो लिखेंगे और उनकी डेट सीरियल नंबर और पेज नंबर के साथ मेंशन कर देंगे, क्लियर? तो जब आप लोग स्कूल से अपना वर्क लेकर जाएंगे तो आप लोगों को उसके साथ कुछ टैगिंग्स मिलेंगी। वो टैगिंग्स आप लोग किस तरह पेस्ट करेंगे ये देखने, सबसे पहले आप पहले पेज पर इंडेक्स के बाद जो फर्स्ट पेज है उस पर आप टैगिंग पेस्ट करेंगे, मिड टर्म 2020 एंड 21। ये आप लोग टैगिंग पेस्ट करेंगे फर्स्ट पेज पे, तो और उसके फिर वेरी नेक्स्ट पेज पे आप लोग पेस्ट करेंगे सिलेबस आउटलाइन ऑफ मैथ मिड टर्म। ये मिड टर्म की सिलेबस आउटलाइन आप उसके बाद पेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग पेस्ट करेंगे पहले चैप्टर की टैगिंग, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सही है, इंट्रोडक्शन टू सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक भी यही है, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट होता क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। सेट के बारे में जरा सी पहले जरा जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि सेट होता क्या है। सेट एक आपके पास कलेक्शन होती है, जैसा बोलते हैं ना यहाँ पे काफी ज्यादा बुक्स रखी हो, तो मैं बोलूंगा कि बुक्स का सेट है, यानी बुक्स की एक कलेक्शन है ये। तो सेट आपके पास कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड किसे बोलते हैं, वो जिन्हें आप सही से डिफाइन कर पाए, सही से जिनके बारे में आप बता पाए। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे रजिस्टर्स रखे हैं, तो मैं आपको बोल सकूंगा ये 25 रजिस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया 25 रजिस्टर्स हैं। और वेरीफाइड जो नहीं होते वो बता दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे बताएं कि दुनिया में कितने ईमानदार लोग हैं, तो कोई बता सकते हैं नहीं ना, तो वो वेरीफाइड चीज नहीं है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता या आप मुझे नहीं बता सकते, तो वो वेरीफाइड नहीं है। सही है, वेरीफाइड ये है जिसके बारे में आप लोग सही से डिफाइन कर सकते हैं कि 25 रजिस्टर रखे हैं, ये 2 चेयर्स रखी हैं, ये 10 टेबल्स रखे हैं, सही है, या और भी कोई भी चीज, लेकिन वो जो आप सही से डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को, वो चीज कहलाती है वेल डिफाइंड। तो सेट कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या किसी भी चीज का, नेम्स वगैरह का, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक तो सेट्स का ये, तो मैं आपको सेट्स के बारे में वैसे तो बहुत बता देता हूं। अब सेट्स को हम लोग अब सेट्स आपके बताए किस तरह जाते हैं, देखो जैसे मैंने तो आपको वर्बल ही बता दिया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और अब उनको लिखने का तरीका क्या है, अब लिखेंगे आप लोग किस तरह उसे, तो याद रखिएगा सेट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स के बारे में तो सबको पता होगा ना, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वॉवल्स, तो मुझे बोलते हैं सेट ऑफ जो वॉवल्स है ना वो बनाकर दिखाऊंगे, सेट ऑफ वॉवल्स, अब मैं बोलूंगा ए ई आई ओ यू, मैंने इन सबको लिख दिया, ये सेट बन गया, सबको एक साथ लिख दिया, नहीं गलत है, सेट इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते, ये आपका गलत तरीका है सेट लिखने का। मैं आपको बताता हूं कि सेट लिखते किस तरह है, पहले तो सबसे पहले जो आप सेट बना रहे हैं उसको आप एक नाम देंगे, जैसे मैं एक सेट बना रहा हूं ना तो मैं उसको कोई भी नाम दूंगा, मैं कोई नया सेट बना रहा हूं मैं उसको कोई नया नाम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नाम दे देता हूं ए का, ए सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स है वो ए है, और ए ई आई ओ यू तो ये लिखे जाएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, याद रखिए ये दो जो ब्रैकेट्स होती है ना तकरीबन तमाम सेट्स इसके अंदर लिखे जाते हैं, वो जो नहीं लिखे जाते वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूं, तो तकरीबन तमाम सेट्स इसमें लिखे जाते हैं। तो अब ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यहां तक लिखा, अब भी ये गलत है, गलत क्यों है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है सेट के, ये जो अंदर वैल्यू लिखी जाती है ना ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ये ए सेट को बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक अलग अलग वैल्यू होती है, तो इनको अलग करने के लिए मैं इनके बीच में कॉमा लगाऊंगा, सही है, जो सेट ऑफ वॉवल्स है वो है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जिससे हमने एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया कॉमास के जरिए, इनको हम बोल देते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं, इनकी ये शनाख्त बन चुकी है, अब लोग इनकी एक निशानी बन चुकी है कि ये एलिमेंट जो है अब वो सेट ए के है, सही है, तो ये वॉवल्स ही सेट ऑफ वॉवल्स, लेकिन हमने सेट ऑफ वॉवल्स को भी तो इससे डिनोट कर दिया ना, इससे डिनोट कर दिया हमने सेट ऑफ वॉवल्स को, तो अब ये सेट ऑफ वॉवल्स भी इससे डिनोट हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गई थोड़ी सी सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, अब सेट के बारे में आपकी एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब देखें वेल डिफाइंड के मैंने बारे में आप लोगों को बताया कि वेल डिफाइंड क्या होता है, जिसके बारे में सही से बताया जाए आप लोगों को, अब मैं इसकी एक दो एग्जांपल देता हूं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है ये सेट वेल डिफाइंड है या नहीं है। सपोज बी इज इक्वल
इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अगर किसी को नजर ना आ रहा तो मसला नहीं है, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब कोई मुझे बता सकता है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में हम लिखेंगे क्या? देखिए बता तो आप लिख सकते नहीं है, मैं आप लोगों को खुद थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो हम इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब हमें पता था ना हम इसमें लिखेंगे कि ए ए बी सी डी एंड सो ऑन जी तक, हमें ये चीज पता थी ना कि हम इसमें ये लिखेंगे, हमें पता थी, हम डिफाइन कर सकते हैं आपको, मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें ये आएगा, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये आएगा, तो ये एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड ये क्या है? वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं। क्लियर? अब एक और एग्जांपल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लार्ज नंबर्स, सेट ऑफ लार्ज नंबर्स। अब नंबर्स बड़े नंबर्स, अब बड़े नंबर कौन से हो सकते हैं? 10 हो सकता है बड़ा, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये नंबर तो चलते जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ा नंबर कौन सा? मैं बोल देता हूं कि 1 करोड़। अब लोग बोलेंगे बहुत बड़ा नंबर है, 1 करोड़ तक जाए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। फिर मैं बोलूं 2 करोड़, आप बोलेंगे वो उससे भी बड़ा। तो ये बड़े नंबर्स की काउंटिंग चलती जाती है, आप नहीं बता सकते कि नंबर्स कहां जाकर एंड होंगे, कहां जाकर खत्म होंगे, आप नहीं बता सकते, आप नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है बेटा, ये आप लोग नहीं बता सकते कि ये वेल डिफाइंड है तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो इसकी उम्मीद आपको इससे क्लियर होगा कि वेल डिफाइंड और डिफाइंड सेट में, नॉट वेल डिफाइंड सेट में क्या फर्क है। अब इसके बाद आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए, जैसे मेरे पास, मैंने भी आपको वॉवल्स की एग्जांपल दी, ए इज इक्वल टू ए E, I, O, U. अब वॉवल्स आ गए ए के साथ, तो मतलब वो किसके साथ इनका ताल्लुक हो गया? इन सब का ताल्लुक किसके साथ हो गया? ए के साथ। और ए का ताल्लुक किनके साथ हो गया? इनके साथ। मतलब इन दोनों का ताल्लुक, मतलब इन दोनों का कनेक्शन हो गया। अब ये इससे बिलोंग करते हैं और ये इससे बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा मेरा लफ्ज बिलोंग, ये इससे बिलोंग करते हैं और ये इससे बिलोंग करते हैं। अब आपके पास अगर कोई बोल ले कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब ये वाला ए बिलोंग्स टू दिस ए, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सही है, सही है। अगर मैं बोल दूं आई बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलेंगे सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं जे बिलोंग्स टू या ओ बिलोंग्स टू के, ओ तो ए से बिलोंग करता है तो ये तो के है, तो ये गलत बात। जो ओ है वो ए से बिलोंग करता है ना के से, तो ओ डज नॉट बिलोंग्स टू के। क्लियर? अब बिलोंग्स टू जो है आपके, इसके रिलेटेड भी सवाल आए हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 1A में,
तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। अभी हम एक्सरसाइज वन ए पर ही चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको वेन डिफाइन बता दिया। अब दूसरे टॉपिक पर हम इसके कौन से बिलोंग्स टू वन। अब बिलोंग्स टू जो सेट होता है उसकी डिनोशन किससे होती है, मतलब वो किससे डिनोट किया जाता है, इस तरह का कोई ई का साइन होता है, सी होता है, इस तरह लगा आप लोग, ये सी है और इसके अंदर एक लाइन है, इससे शो होता है ये बिलोंग्स टू। अब इसकी एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास एक सेट दिया हुआ है बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, 3 4 5 6, और मैं लिख देता हूं यहां पर बी डैश 3, बी डैश 6 और बी डैश 7, तीन चीजें लिखी। अब बी 3, क्या ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं? जरूर करते हैं, क्योंकि बी सेट में ही 3 है, तो मैं इनके दरमियान निकाल दूंगा बिलोंग्स टू का सेट। क्या D belongs करता है 6 के साथ? जी करता है, तो मैं इनके दर में अपने लगा दूंगा belongs का है। क्या D belong करता है 7 के साथ? 7 नहीं है, तो B does not belongs to, does not के लिए क्या होगा? belongs to और उसके ऊपर एक cut जो कि show करता है does not belongs to, सही है? ये किसको show करता है? Does not belongs to. Clear है? अब belongs to और does not belongs to भी आपको समझ आ गया। अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है करने का एक और चीज, एक और तरीका भी आना चाहिए। आपको ये बताना आना चाहिए कि ये चीज सेट बना सकती है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर कोई चीज वेल डिफाइंड है तो उसका सेट बन सकता है, अगर कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो उसका सेट नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल दूं, आप लोग मुझे सेट बना के दिखाएं, सेट ऑफ Set of true people, set of true people मतलब सच्चे लोगों का set, मतलब सच्चे लोग बताओ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम कैसे बताएंगे, हमें तो नहीं पता ये, मुझे भी नहीं पता ये, आपको भी नहीं पता ये, किसी और को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह ताला के। तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते, हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये एक सेट नहीं बन सकता, इसका सेट नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि सेट बना के दिखाएं मुझे, सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10, आपको मुझे सेट ऑफ नंबर्स बनाकर दिखाओ लेस देन 10 से, तो आप लोग बोलेंगे सिंपल सी बात है, सेट बनाना तो सबसे पहले सेट को एक नाम देना होगा, एक नाम दे दिया ए, सपोज आप कोई नहीं दे सकते बी सी डी ई एफ, सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10, नंबर्स लेस देन 10 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10, 10 जितने नहीं, और ये एलिमेंट्स है सेट के तो इनको कॉमे के साथ अलग कर लें। क्लियर? तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1A जो कि पूरी हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा, अगर कोई मसला हुआ है तो वीडियो रिपीट करके देख लें, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो
चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ जो के है 1B। अब एक्सरसाइज 1B के स्टार्ट में आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज है आपके पास सेट नोटेशन, यही आपकी मेन चीज है, इसी में आपका पूरी एक्सरसाइज कवर होगी। सेट नोटेशन, अब सेट नोटेशन क्या होती है? सेट नोटेशन में आप लोग बताते हैं, आप लोगों को ये बताया जाता है कि सेट किस तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह आप लोग सेट बना सकते हैं। सेट नोटेशन की तीन टाइप्स है, 1, 2 एंड 3। पहले आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन बोल दें आप लोग, कोई सी भी बोल दें। अब इस टाइप में क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले बताया जब आप सेट बनाते हैं तो आप ब्रैकेट्स शो करते हैं, सही है? लेकिन ये वाहिड टाइप है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा कि वाहिड टाइप है जिसमें आप लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, आप लोग सिंपल बोलते हैं ए इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो इसमें हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, ये इस टाइप की खास बात है सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। अब इसके बाद जो फॉर्म दूसरी है उसका नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? ये वही फॉर्म है जो भी आपने पिछले सवालों में किया, यही होती है सिंपल फॉर्म सेट की जो आप लोगों ने अभी पहले एक्सरसाइज में पढ़ी है। इसमें क्या होता है, सेट को एक नाम दिया जाता है ए, कोई सा भी दे दें आप लोग, ए बी सी डी, और ब्रैकेट्स के अंदर ये सेट होता है और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉमास के जरिए अलग भी किए जाते हैं। बुक्स में इनकी डेफिनेशन होगी, वहां से भी आप एक दफा रीड कर लीजिएगा इनको। मैं आपको यहाँ पे जरा क्लियर वर्बली बता रहा हूँ कि टेबुलर फॉर्म में आप लोग सेट को एक नाम देते हैं, ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा से अलग भी करते हैं। तो ये हो गया आपकी दूसरी फॉर्म। अब आते हैं आपकी तीसरी फॉर्म पे। तीसरी जो फॉर्म है वो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म एक यूनिक फॉर्म है, इसमें एक रूल यूज होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक रूल होता है वो इसमें यूज होता है। अब वो रूल क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आपको दिए गए होते हैं जिस सेट के, आप उसके एलिमेंट्स की निस्बत से वो आगे वाले सेट को देखकर एक सेट बनाते हैं। जैसे मैं बोल दूं A is equal to set of इसको इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, A is equal to set of numbers less than 10. A is a set of numbers less than 10. अब इसको set builder form में अगर मुझे लिखना है तो वो इसी तरह ही आ जाएगा, brackets में ही आ जाएगा और इसमें एक unique formula आ जाएगा जो होगा x, ये x denote कर रहा है A के elements को, दो आ जाएंगे dot जो stand करते हैं such that x such that x, ये वही x है दोबारा से है,
x such that x are the numbers less than 10. उसने इसने ऊपर दे दिया था आपको सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10, नीचे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है कि x such that x x यहां पर यही a are the numbers less than 10. मतलब ये आपके इस सेट को शो कर रहा है कि इस सेट में है क्या, इस सेट में क्या था, सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10. इसने बोल दिया x such that x यानी पूरा सेट are the numbers less than 10. ये होती है सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे ताकि इससे आपको और क्लियर हो. अब जो आपकी एक्सरसाइज है जो आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं. सपोज इसमें ना आपको जो ये नोटेशंस है इसमें आपको कन्वर्जेंस देगा कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वो कन्वर्जेंस आनी चाहिए. सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं, ये आपको ये देख रहे हैं, एक आपको फॉर्म दी हुई है, n is equal to x such that x is a counting number less than 6. ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a counting number less than 6. Counting number less than 6. अब पता है 6 से जो कम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. सवाल को आपसे पूछ सकते हैं कि इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पे रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करें आप लोग टेबुलर फॉर्म में. अब टेबुलर फॉर्म में इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? टेबुलर फॉर्म का रूल याद करिएगा, उसमें होता था कि सेट को एक नाम देना है, नाम इसने पहले ही दिया हुआ, वो ब्रैकेट्स के दरमियान आएगा, ब्रैकेट्स इसमें पहले ही है. इसको देखना आपने इसकी जगह क्या आएगा, x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6. काउंटिंग नंबर लेस देन 6 कौन-कौन से? 1, 2, 3, 4, 5. टेबुलर फॉर्म में आ गया, कॉमा से इसके एलिमेंट्स को अलग कर लिया, इस वाली वैल्यू को बिल्कुल काउंटिंग नंबर लेस देन 6 को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लिया. ये आपके पास टेबुलर फॉर्म बन गई. इस तरह का सवाल आ सकता है या वो आपको किसी और फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे आप ये आपको सेट बिल्डर में दिया और बोला इसको कन्वर्ट करें आप लोग टेबुलर में, यहां तो वो दे सकता है आपको टेबुलर में देकर बोले सेट बिल्डर में करो. सपोज आपके पास एक वैल्यू है p इज इक्वल टू a b c d सो ऑन z तक, ए बी सी डी सारे नंबर्स काउंटिंग के हैं, तो वो आपको बोलता है इसको के सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसका भी एक नाम होता है, उसमें भी ब्रैकेट्स आती हैं. यहां पर क्या है, उसका एक रूल सबसे पहले वाला वो तो आप लोग तो वैसे लिख लेगा एस एक्स सच दैट एक्स, ये है रूल सेट बिल्डर फॉर्म का. तो एक्स सच दैट एक्स की देखिए ये क्या है, ए बी सी डी Z तक, ये आपके पास क्या है, अल्फाबेट्स. तो x such that x are the अल्फाबेट्स. क्लियर, ये हो गया आपके पास x such that x are the अल्फाबेट्स. जो x का सेट है वो क्या है, सिंपल अल्फाबेट्स. यहाँ इसके आप लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ कोई नीड नहीं है, अल्फाबेट्स Z तक ही होते हैं, तमाम उसमें आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ स्मॉल अल्फाबेट्स लिख लें या आपकी मर्जी है, अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स ही होते हैं. तो इस तरह आपको हो सकता है
दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करके। अब तीसरी फॉर्म में वो किस तरह पूछ सकते हैं, वो आपको पूछ सकता है जैसे ये फॉर्म दी है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। देखिए इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको बोले आपको कन्वर्ट करें टेबुलर फॉर्म में, तो याद रखिएगा टेबुलर फॉर्म होने के लिए कोई नाम भी होना चाहिए सेट का। तो आप कोई सा भी नाम ले लें, मैंने ले लिया Z अपनी तरफ से इज इक्वल टू, उसमें ब्रैकेट्स भी आती हैं टेबुलर फॉर्म में, ये भी याद रखिएगा। अब ये सेट किस तरह बनेगा, उसने बोला सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो अब आप लोग बताएंगे कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक भी हफ्ते में, वीक यानी हफ्ता, उसमें कितने दिन होते हैं, 7, तो वो 7 दिन आ गए, कोई मसला। तो इस तरह की कन्वर्जेंस आपको वो सवाल में पूछ सकता है, आपके पेपर्स में इस तरह की कन्वर्जेंस आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है, आपको जो एक्सरसाइज में सवाल दिए हैं वो आप लोगों ने तमाम सवाल अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 1A एंड एक्सरसाइज 1B। तो जब आप यहाँ आएंगे आपको ये काम दे दिया जाएगा, सबने काम नीट एंड क्लीन करना अपने रजिस्टर पर, रजिस्टर चेक होने जब मेरे पास आए तो मुझे सबका काम बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग सही से काम अपना करके देंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।